पुलवामा मामले के बाद से ही देश गुस्से में है और यह गुस्सा क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच पर भी देखा जा सकता है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि हम सरकार के फैसले का सम्मान करेंगे। हमारे लिए क्रिकेट देश से बढ़कर नहीं है। पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलें या नहीं, इसका फैसला सरकार को लेना है। अगर हमारी सरकार को लगता है कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए तो जाहिर है कि हम नहीं खेलेंगे। हमारे फैसले का आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है। बीसीसीआई ने जहां गेंद सरकार के पाले में डाल दी, तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संकेत दिए हैं कि भारत विश्व कप में पाक मुकाबले का बायकॉट कर सकता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकता, हमें विचार तो करना पड़ेगा। ये पप्पियां, झप्पियां और क्रिकेट के छक्कों के साथ आतंकवाद के शहीदों की लाशें आना कितने दिन चलेगा। विश्व कप में भारत का पाकिस्तान के साथ 16 जून को मुकाबला होना है। पाकिस्तान के प्रतिबंधित पूर्व सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद पर पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेटरों को रिश्वत देने के आरोप में ब्रिटेन में मुकदमा चलेगा। जमशेद और ब्रिटेन के दो नागरिकों यूसुफ अनवर और मोहम्मद एजाज को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने तीनों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में आयोजित टूर्नामेंटों में स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के तहत गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जमशेद पर 10 साल का प्रतिबंध लगा रखा है। जमशेद पर पीएसएल में साथी खिलाड़ियों को खराब प्रदर्शन के लिए रिश्वत देने का आरोप है। टिम साउदी की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की बल्लेबाजी धराशायी हो गई। इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीत ली। न्यूजीलैंड के डुनेडिन में पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 6 विकेट पर 330 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकोलस ने 64, रॉस टेलर ने 69 और कप्तान टॉम लाथम ने 59 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम शब्बीर रहमान की धुआंधार शतकीय पारी के बावजूद 47.2 ओवर में 242 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के लिए सऊदी ने 6 विकेट लिए। टीम सऊदी को मैन ऑफ द मैच मिला है। अलीगढ़ हीरोज की टीम प्रो वॉलीबॉल लीग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में कालीकट हीरोज ने यू मुंबा को सीधे सेंटों में 15-12, 15-9, 16-14 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में उसका सामना कोची ब्लू स्पाइकर्स और चेन्नई स्पार्टन्स के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। कालीकट के लिए कप्तान जेरोम विनीत ने 12 अंक लिए। यू मुंबा के लिए विनीत कुमार ने 10 अंक हासिल किए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।